हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास वन एंड द सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर फाइव यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ये वाला चैप्टर आप लोगों का यूनिट टेस्ट में आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कपिल वाज अ ओल्ड मैन। तो कपिल एक बूढ़ा आदमी था। ही वाज अ फार्मर। वो एक फार्मर था। ही हैड थ्री सन्स। उसके तीन बेटे थे। द थ्री सन्स वेर ऑलवेज फाइटिंग विद ईच अदर। वो तीन बेटे उसके हमेशा आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे। कपिल वॉज वेरी सैड बिकॉज ऑफ देयर क्रूएल। ही वॉन्टेड देम टू लिव टुगेदर विथ लव। तो कपिल बहुत दुखी रहते थे क्योंकि उसके तीनों बेटे एक दूसरे से झगड़ा करते थे। ही वॉन्टेड देम टू लिव टुगेदर विथ लव। वो चाहते थे कि उसके सारे बेटे आपस में प्यार से रहे। ही आस्क देम नॉट टू क्रूएल। वो हमेशा उसको उन लोगों को कहते थे कि लड़ाई झगड़ा मत करो। बट द थ्री सन्स डिड नॉट फॉलो हिज एडवाइस। पर जो तीन सन्स थे उसके तीनों बेटे उसकी बात नहीं मानते थे। फाइनली कपिल थॉट ऑफ अ प्लान। तो फाइनली कपिल एक प्लान बनाया। ही कॉल हिज सन्स एंड ऑर्डर देम टू ब्रिंग अ फ्यू स्टिक। वो अपने बेटे लोग को बुलाए और बोले कि ऑर्डर किए कि कुछ लकड़ियाँ लेकर आओ। कपिल टाइट द स्टिक इन टू अ बंडल। तो कपिल उस लकड़ियों को बंडल में बांध दिए जैसे यहाँ पे। देन ही गेव द बंडल टू हिज सन। तो फिर वो बंडल वो अपने बेटों को दे दिए। ही आस्क्ड ईच ऑफ देम टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक अलोन। तो वो पूछे एक एक को दिए अपने बेटे को और बोले कि अब इसको तुम लोग तोड़ कर दिखाओ। एवरी वन टाइट देयर ब्रेस्ट बट कुड नॉट ब्रेक इट। तो सब ने उसके तीनों बेटे ने कोशिश किया पर कोई भी तोड़ नहीं पाया उस लकड़ी को। देन कपिल अनटाइट द स्टिक। तो कपिल क्या किए फिर खोल दिए स्टिक को। ही गेव अ स्टिक टू ईच ऑफ हिज सन एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट। उसके बाद खोलने के बाद एक एक को तीनों बेटे को एक एक करके तीनों स्टिक दिए और बोले अब तोड़ कर दिखाओ। ईच ऑफ देम ब्रोक द स्टिक वेरी इजीली। तो अब वो स्टिक उन लोग तोड़ दिए। यस माई डियर सन सेट कपिल इफ़ यू रिमेन अनयूनाइटेड नोबडी कैन हार्म यू बट इफ़ यू फाइट विथ वन अनदर एनी वन कैन हार्म यू। तो कपिल ने कहा कि अगर तुम लोग एक साथ रहोगे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर तुम लोग अलग अलग हो जाओगे तो कोई भी आसानी से तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। कपिल सन्स फॉलो हिज एडवाइस। तो कपिल्स के जो बेटे थे उसके एडवाइस को सुने। दे लिव इन हारमोनी एंड नेवर क्रूअल आफ्टर डेट। उसके बाद उन लोग कभी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं किए और बहुत प्यार से रहने लगे।